जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर वन का स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्स कब हैं आपके? मार्च 2024। अच्छा, दिन गिनने हैं, कितने रह गए हैं दिन? अच्छा, मेरा ख्याल था दिन गिन के आए हो गए, काउंट डाउन चलाया होगा। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं, फिज़िकल वाले, हाइब्रिड वाले, इसमें से वो हजरात हाथ खड़े कर दें जो इस दफ़ा सोच के आए हैं कि पहले दिन से पढ़ना है। और कितने लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी? इस दफ़ा कर लें मेरे ख्याल से, अब तो बड़े हो गए हैं आप। अच्छा, करवानी पड़ेगी, एंड पे आ जाएं, 5 मिनट्स एंड। तो चलें अपने रजिस्टर के शुरू में फिर लिखें। हाइब्रिड में फर्स्ट रो सेकंड रो रजिस्टर निकाल लें भाई, अभी नहीं निकले रजिस्टर। जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं लिए, इस दफा मैं हाथ खोलेंगे तो लिखना शुरू करेंगे ना, ऐसे तो नहीं लिखेंगे हाइब्रिड में। इस दफा मैं पहले दिन से पढ़ूंगा। भाई आप भी लिख लो, चेक वाली शर्ट पहनी हुई है। और सेशन एंड तक ऐसा ही करूंगा, और सेशन एंड तक ऐसा ही करूंगा। क्योंकि मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि सीए के अलावा बाकी दोस्तों को छोड़ दूंगा। सीए के अलावा, साथ वाले को देख रहे हैं, वो तो सीए वाला है। सीए के अलावा बाकी दोस्तों को छोड़ दूंगा। ये दे रहा है दुरुस्त है, क्लास के लिए नहीं है, हाइब्रिड में। अच्छा, इस दफा तो सारे टेस्ट भी दूंगा। भाई प्रिंसिपल साहब को बता दो टेस्ट रूम के बाहर ना तंबू लगवा दें, थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दें, इतना बच्चा टेस्ट देने चला गया तो परेशान हो जाएंगे वो। इस दफा तो सारे टेस्ट भी दूंगा। आउट स्टेशन वाले लिख लें, इंशाल्लाह 6 महीने बाद घर भी जाऊंगा, इंशाल्लाह 6 महीने बाद घर भी जाऊंगा। नहीं यार ऐसे ना करें, साल लेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 6 महीने बाद तो कम से कम। बीच में अगर कोई हुआ तो घर वालों को बुला लीजिएगा कोई एक दो दिन के लिए, ठीक है? 6 महीने बाद चले जाएं मेरे ख्याल से। आप लोग जो साल डेढ़ की नियत करके आए हो ना, वो ज़्यादा हो जाएगी, 6 महीने बाद घर चले जाएं। वीडियो कॉल पर कज़न अटेंड करूँगा। एक साहब मिले, कहने लगे, ये सच्ची बातें बता रहा हूँ, कोई गप्पे नहीं मारा, भाई या बहन की शादी थी, काफ़ी दूर के थे, कहते हैं वो मैंने फिर अटेंड नहीं कर सका। जाहिर बात है, अब या तो फिर सीए कर लेता या ये ज़्यादा हो गई, लेकिन ठीक है, कुर्बानियाँ करने वाले कर रहे हैं, आपके दाएं बाएं हैं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अनथक मेहनतें कर रहे हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं। पूरा सेशन क्लास में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, ज़्यादा होगी। ऑनलाइन वालों ने जो मोबाइल पे क्लासें ले रहे हैं वो उन्होंने तो फिर, अच्छा भाई लैपटॉप पे क्लासें लीजिएगा। दो घंटे की इंशाल्लाह हमारी क्लास हुआ करेगी, वक्तन फवक्तन इसके अलावा भी आपको छोटे मोटे स्नैक्स दिए जाएंगे, समझ गए होंगे आप।
अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में ऐसा जिसको कोई नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। IS-41 एग्रीकल्चर, इंशाल्लाह इसको हम दूसरे नंबर पे करेंगे। कोई भैंसे होंगी, गाय होंगे, बकरे होंगे, क्लास में भी लाने की इजाज़त होगी। IS-21 फॉरेन करेंसी को डील करेगा। IFRS-8 है, ये IFRS-8 होगा, इसमें कुछ डिस्कशन होगी हमारी। डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं एंटिटीज़ के। IFRS-9 होगा, इसमें आप कुछ कंपनीज़ के शेयर्स वगैरह ख़रीदते हैं। एथिक्स तो आपको घर वालों ने सिखाए होंगे, माशाल्लाह सीख के आए बैठे में, जो बार बार घर वाले कहते हैं बिहेव। कंसोलिडेशन होगी, दो कंपनीज़ के अकाउंट्स को आपस में इकट्ठे करना होगा। फाइनल अकाउंट होगा जिसमें सारे टॉपिक्स इकट्ठे होके P&L बैलेंस शीट बनेगा। IS-12 होगा, टैक्स से रिलेटेड करे। IFRS-16 होगा, लीज़। IS-38 आज हम शुरू करेंगे, इनटेंजिबल्स। फिर IS-10-37 है, कोई कोर्ट केसेस हैं। फिर IFRS-15 होगा रेवेन्यूज़ का। तो ये आपके लॉन्ग टॉपिक्स होंगे, इनमें से 18 नंबर का, 16 नंबर का इस तरह सवाल आएगा, छोटा सवाल भी आ सकता है। और ये शॉर्ट टॉपिक्स होंगे, यानी इनमें 8-9 नंबर से ज़्यादा का सवाल नहीं आ सकेगा। तो बहरहाल ये जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं, इनमें से शॉर्ट सवाल इन्हें नहीं कैसे आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टॉपिक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकते। बाकी ये कोई अटेम्प्ट थी पिछली मार्च 23 की, उसमें नंबर बताए हुए हैं, इसमें कितने नंबर का आया, टैक्सेस में कितने नंबर का आया, लीज़ में कितने नंबर का आया। इन दो स्टैंडर्ड्स को वो काफ़ी पसंद करता है, लीज़ को, IS-12 को, अक्सर उनमें से सवाल देता रहता है। कंसोलिडेशन में से अक्सर सवाल देता रहता है। बहरहाल अभी इन चीज़ों में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ MCQs होंगे 8-10 नंबर के, वो डिफरेंट टॉपिक्स में से आएंगे। बुक फोटोकॉपी शॉप पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी आ गए होंगे ऑनलाइन वालों के। वहीद बुक डिपो से आप बाय कर सकते हैं बुक। अच्छा जी, IS-38 आज शुरू करते हैं। बाकी किसी ने अपना तारुफ कराना है तो भाई हाइब्रिड में माइक पकड़ा दें, कोई अपना तारुफ करवाना है किसी ने, किस इलाके का है, कौन से इलाके के चौधरी हैं, कौन से इलाके के शेख हैं जी भाई, और कोई अपनी बिरादरी वगैरह, इलाका वगैरह बताना चाहता हो जी भाई, हाइब्रिड में माइक दे दें, ऑन करें माइक भाई, इन्हीं को पकड़ा दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, पकड़ा दें माइक इनको, ब्लू शर्ट वालों, पिछली रो में पकड़ा दें, अगली रो में पकड़ा दें। ये तो माइक पे कांटे तो नहीं लगे हुए? नहीं यार, कोई माइक भाईजान, माइक पकड़ना है, बात करनी है, इसमें क्या मसला है जी? कोई हाथ खड़ा कर दे भाई, ये वो देखें भाई जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। कौन से इलाके से आना हुआ, कहाँ से? पीर महल, कोयटा वाली साइड से, टोबा, टोबा टेक्सिंग वाली साइड से जी भाई, ऐसा ही है। और माशाल्लाह CA का किसने सजेस्ट किया था आपको? खुद ही शुरू कर दिया माशाल्लाह, कैसा जा रहा है? FAR-1 के पेपर के बारे में पूछ सकता हूँ, कैसा हुआ? ठीक है, जैसा सोचा था वैसा ही आया था? तैयारी सही तरह की थी या ऊपर ऊपर से? क्या चीज़? अच्छा, अपना बेस्ट दिया था, ठीक है माशाल्लाह। कितने लोगों को एहसास हो गया था पेपर में कि फलां चीज़ भी अच्छे से तैयार कर लेता तो अच्छे तरीके से हो जाती? तो ये अब FAR-2 में ये रिग्रेट ना हो, तो इसलिए अभी शुरू से ही नियत कर लें। थोड़ी सी सुस्ती करेंगे बड़ा नुकसान होगा। चलो भाई आज शुरू, और किसी ने तारुफ कराना हो अपना?
आइए 16 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या नाम था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें आपके इनटेंजिबल्स थे या टेंजिबल्स थे? टेंजिबल्स थे। और वो क्या होते थे? डिप्रिशिएट। IAS 38 आज हम शुरू करने लगे हैं, एंड डेट इज इनटेंजिबल्स। और अमोर्टाइज होते हैं, इनको बस इनटेंजिबल एसेट्स ही कहते हैं, और क्या कहते हैं। तो इसी तरह और भी स्टैंडर्ड्स होंगे, IAS 2 था जैसे, वो भी एसेट्स से ही डील करता था, इन्वेंट्री से। IAS 41 होगा, उसमें एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, बायोलॉजिकल एसेट्स एंड सो ऑन। तो इस तरह IAS 38 विल डील विद इंटेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स विल बी अमोर्टाइज्ड। और इंटेंजिबल्स को क्या किया जाएगा? अमोर्टाइज किया जाएगा। तो बस ठीक है, पहली दो लाइनें आपने लिखनी है तो लिख लें, फिर आगे चलते हैं। टेंजिबल्स को डेप्रिशिएट किया जाता है, इनटेंजिबल्स को अमोर्टाइज किया जाता है। भैया टाइम देख लें, अगर इधर उधर से आपको कोई टाइम क्लैश करता है तो फिर मसला होगा, लेट आना या जल्दी निकलना क्लास से, तो फिर पूरा सेशन एक मसला रहेगा। जी भाई कॉपीज होगी सबके लिए, बांट दें, पॉज कर दो जरा। जी ऑनलाइन वाले हजरात नोट्स डाउनलोड कर लें। इनटेंजिबल्स, इनटेंजिबल्स का नाम सुन के जहन में मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर आता होगा, हार्डवेयर तो टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर आता होगा। इसी तरह इनटेंजिबल्स में कोई फॉर्मूला होता है, कोई लाइसेंस होता है, ये चीज़ें जहन में आती होंगी। इनटेंजिबल वो होता है जिसमें तीन बातें पाई जाएं। इनटेंजिबल की तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। नॉन मॉनेटरी, नो फिजिकल सब्सटेंस, तीसरा लफ्ज यहीं से उठा के लिख लेते हैं, आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? तो जी इंटेंजिबल वो होता है जिसमें तीन बातें पाई जाएं, लिख लें, आइडेंटिफिएबल होता है, इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता और नॉन मॉनेटरी है। आइडेंटिफिएबल तो सिंपल बात है, यानी इसकी शनाख्त हो सकती है। आप बता सकते हैं भाईजान मेरे पास हार्डवेयर भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, या कोई साहब कहते हैं मैंने असलहे का लाइसेंस बाय किया है, तो वो लाइसेंस आइडेंटिफिएबल है, यानी शनाख्त हो सकती है, ये लाइसेंस है मेरे पास, ये किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बाय किया है। नो फिजिकल सब्सटेंस, तो इनटेंजिबल को हाथ नहीं लगाया जा सकता, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। उस सीडी को तो आप हाथ लगा सकते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को आप हाथ नहीं लगा सकते।
और इसी तरह अगर किसी के पास फ़िशिंग लाइसेंस है, किसी एरिया में जाके वो फ़िशिंग कर सकता है, तो फ़िशिंग लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट है, सफ़ा है, गवर्नमेंट ने जो दिया है, उस सफ़े को तो आप हाथ लगा सकते हैं, लेकिन उस सफ़े के अंदर जो आपको फ़िशिंग करने की इजाज़त है, यानी किसी सी पर जाकर आप फिशेज निकाल सकते हैं, और उधर गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं क्योंकि आपने लाइसेंस ले लिया है, या आपके पास बोटिंग लाइसेंस अवेलेबल है, या आपके पास एयरपोर्ट का लाइसेंस अवेलेबल है कि मैं जहाज़ चला सकता हूँ, तो कोई भी लाइसेंस जो आपको मिला है वो एक सफ़े की फॉर्म में होगा। उस सफ़े की तो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो उसके पीछे छुपी हुई ताकत है कि आप फ़िशिंग कर सकते हैं, उसकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इनटेंजिबल देखने में किसी ना किसी सफ़े या सीडी पे आपको नज़र तो शायद आए, लेकिन वो सफ़ा असल में चीज़ नहीं है, उसके पीछे जो छुपी हुई ताकत है उसकी कोई फ़िज़िकल हैसियत नहीं है। तो दूसरी खासियत ये होगी इनटेंजिबल में, पहली तो बात है इसकी शनाख्त हो सकेगी, ऐसी चीज़ नहीं है कि आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा। जैसे बंदा है, उसके अंदर रूह है, तो अब सारे मानते हैं क्योंकि वो आइडेंटिफिएबल है, लेकिन फ़िज़िकली आप उसको टच नहीं कर सकते कि थोड़ी सी ज़रा रूह मुझे देना, तो उसको आप टच नहीं कर सकते। और जब चली जाती है तो फिर सारे कहते हैं चली गई है। तो अच्छा, तो आइडेंटिफिएबल है, नो फिज़िकल सब्सटेंस, और नॉन मॉनेटरी है। जेब में जो पैसे हैं डेट इज़ मनी, कैश, जिसको आप कैश इन हैंड कहते हैं या कैश एट बैंक कहते हैं। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इज़ अ मनी, सो इनटेंजिबल इज़ अ नॉन मनी। ये मनी नहीं है, ये पैसे नहीं है। वैसे तो लैंड बिल्डिंग भी नॉन मॉनेटरी है, फील करें, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर एसी, इज़ इट अ मनी और नॉन मनी टाइप चीज़? हाँ, ये बेच के पैसे आ सकते हैं, इससे फ्यूचर में फ़ायदा आ सकता है, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर क्या इन्वेंट्री, अपनी ज़ात के अंदर क्या लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इज़ इट अ मनी या इनसे मनी आ सकती है? आ सकती है, ये खुद मनी नहीं है। तो इसलिए इनटेंजिबल को बोलें क्या कहा जाता है, मनी या नॉन मनी। मनी नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये एक डिफरेंट सा लफ्ज़ आपने देखा है, लेकिन बड़ी आसान सी बात है। तो इनटेंजिबल्स, टेंजिबल्स की भी ये खासियत है, मैं ये नहीं कह रहा टेंजिबल्स की, टेंजिबल्स की भी ये खासियत है, लैंड बिल्डिंग भी मनी है या नॉन मनी, और इनटेंजिबल्स भी नॉन मनी। तो इनटेंजिबल वो है जिसमें तीन बातें पाई जाए, उसकी शनाख्त हो सके, उसकी फिज़िकल हैसियत ना हो, और ये मनी नहीं है, बस पैसे नहीं है, पैसों के अलावा कोई और चीज़ है। ओके, आइडेंटिफिएबल, ये भी मैं आपको सफ़ा खोल के दिखाऊंगा। सेपरेबल, कॉन्ट्रेक्चुअल अदर लीगल राइट, सेपरेबल, क्या अजीब सी मिसाल है, क्या किसी साहब से ऐनक जुदा की जा सकती है? सेपरेबल है, जुदा करके देखें ज़रा प्यार से, इसी तरह दोस्ती बढ़ती है। क्या ऐनक सेपरेबल है? अच्छा, क्या उसका नोज़ सेपरेबल है? ज़रा साइड पे करो यार। तो कुछ चीज़ें सेपरेबल होती हैं, कुछ चीज़ें सेपरेबल नहीं होती। क्या अगर एक एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाड़ियाँ बनाती है, उसने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा हुआ है, तो क्या वो सॉफ्टवेयर उस ऑर्गेनाइजेशन से जुदा किया जा सकता है या उस एंटिटी से जुदा नहीं किया जा सकता? ज़रा सोच के बताएं। बिल्कुल सेपरेबल है, सांस से, जैसे बंदे से ऐनक जुदा की जा सकती है, बंदे से उसका लिबास जुदा किया जा सकता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन से उसके सॉफ्टवेयर्स भी, उसके सारे के सारे इंटेंजिबल्स बोलें क्या किए जा सकते हैं, जुदा किए जा सकते हैं। ओके, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इनटेंजिबल की अगली खासियत यह है कि ये आमतौर पर ऐसा होता है जिसको जुदा किया जा सकता है। लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, कई दफ़ा ऐसा होता है कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको जुदा करने की इजाज़त नहीं होती, जुदा की तो जा सकती है लेकिन जुदा करने की इजाज़त नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए का लाइसेंस ख़रीदा है, तो गवर्नमेंट ने कहा है इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब क्या जुदा करके किसी को बेचा जा सकता है? बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक लीगल राइट तो है ना कि हम असलहे को यूज़ कर सकते हैं, या हम फिशिंग कर सकते हैं, या हमें हमारे पास एयरपोर्ट लैंडिंग राइट्स मिल गए हैं,
फला मुल्क के अंदर हमें हमारा हमारा जहाज़ लैंड करवाने की इजाज़त है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि इनटेंजिबल्स की क्या खासियत होती है कि इनका लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हमारे पास होता है, यानी एज सच सेपरेबल तो शायद ना हो, सेपरेट करने की बल्कि इजाज़त ही ना हो। गवर्नमेंट आपको कहे ये लाइसेंस आप ही के लिए है सोलली, आप इसको किसी को दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इसको आइडेंटिफाई क्यों कहेंगे, क्यों ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है? इसलिए कि ये लीगल राइट है। जब लीगल राइट है तो अलग से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये देखो मेरे पास फिशिंग का लीगल राइट अलग है, ये देखो मेरे पास इसलहे का लीगल राइट अलग है, ये देखो मेरे पास इंपोर्ट करने का लीगल राइट अलग है, ये देखो मेरे पास चीज़ें एक्सपोर्ट करने का लीगल राइट अलग है। और ये इंटेंजिबल्स करोड़ों अरबों रुपए के आते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते ये इंटेंजिबल इमटीरियल हैं, ये एक मटीरियल आइटम है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नज़र आता है। ओके, अब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके ख्याल से ये कहाँ पे नज़र आएगा? ये P&L के नज़र अंदर नज़र आएगा या बैलेंस शीट में नज़र आएगा? पहले ये सोच के बता दें। बैलेंस शीट में। ये कोई एक्सपेंस टाइप चीज़ नहीं है, बल्कि किस टाइप चीज़ है? ऐसा टाइप चीज़ है। तो कहाँ नज़र आएगा? बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर अगला सवाल है हमारा कि ये आपको करंट एसेट्स में नज़र आएगा या नॉन करंट एसेट्स में नज़र आएगा? इधर ज़रा देखिएगा, एनुअल रिपोर्ट 2019 के नाम से आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होगी। अच्छा, करंट एसेट्स के तौर पे नज़र आएगा या नॉन करंट एसेट्स के तौर पे? बैलेंस शीट को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये कोई कंपनी है पैकेजेस लिमिटेड, इसकी हमने खोली है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2019। तो एसेट्स आ रहे हैं इसकी बैलेंस शीट में। एसेट्स में क्या आ रहा है? पीपी। ये पीपी कौन सी चीजें होंगी? IAS 16। ये चीजें तो आपके पास नहीं है, मैं बस ऐसे खोल के दिखा रहा हूं। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स आ रही हैं या करंट आ रहे हैं? नॉन करंट। नॉन करंट में पीपी आ रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज IAS 40। और क्या आ रहा है? इनटेंजिबल एसेट्स IAS 38। कितने के इनटेंजिबल्स आ रहे हैं? 65। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? रुपीस। लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज कितना किया हुआ है? ये वो दोनों बातें अलग अलग पता चल गई। ये इसकी क्या है? प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसमें ये चीजें प्रेजेंट कर रही है। और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ क्या यूज किया है? रुपीज इन थाउजेंड। और हमारे इनटेंजिबल्स कितने के हैं आप? 65,000 के सिर्फ या 65 मिलियन के? और अगर इनकी डिटेल देखनी हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? नोट में जाना पड़ेगा। नोट बनाए होंगे आप लोगों ने। ये नोट पीपी का नोट है या ये नोट इनटेंजिबल्स का नोट है? इनटेंजिबल्स के नोट नंबर 21 के अंदर जाएंगे तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इनके कौन कौन से इनटेंजिबल्स हैं और कितनी कितनी वैल्यू के हैं। जैसे पीपी के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अलग अलग आ रहा होता है, इसके अंदर भी चीज़ें अलग अलग आ रही होती हैं। ओके, चलें, ये थियोरेटिकल डिस्कशन है, ये फिर एंड पे इसको रिज्यूम करते हैं। फिलहाल एक सवाल हमने करना है आज इम्पेयरमेंट का। आपको नोट्स बांटे हैं, कल से किताब आप परचेज़ कर लीजिएगा ताकि कल से नोट ना बांटने पड़े। पेज 232 पे आएँ, ज़रा FAR 1 की थोड़ी रिविजन कर लें। IAS 36 इम्पेयरमेंट। भाई मार्कर और ले आओ, पढ़े में जी। इंपेयरमेंट टेस्ट
किस चीज को किससे कंपेयर करके परफॉर्म होते हैं? बुक वैल्यू को किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। इन दोनों में से हायर, रिकवरेबल अमाउंट खुद अपनी जात में एक हायर चीज है, किससे? रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? वैल्यू इन फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो फॉर परफॉर्मिंग इंपेयरमेंट टेस्ट वी कंपेयर द बीवी विथ रिकवरेबल अमाउंट। सो व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अच्छा जी, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक साहब हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे पास हैन है, सही है, मेरे पास हैन है, तो ये जो हैन है इसकी वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? वैल्यू इन यूज ये 10 साल तक कितने अंडे देगी? अच्छा, उनकी प्राइस क्या होगी? और 10 साल बाद ये कितने की बेची जाएगी? डेट विल बी कॉल्ड एज वैल्यू इन। अगर हम इसको यूज करें तो ये इतना, हाइब्रिड में बातें नहीं करनी, अगर हम इसको यूज करें तो ये इतना फायदा देके जाएगी, डेट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज। और अगर इसको आज बेच दें, आज बेच दें, तो ये बाजार में कितने की बिकेगी? डेट विल बी कॉल्ड एज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। का मतलब है बाजार में लेके जाना पड़ेगा, बेचते हुए कोई खर्चा भी आएगा। तो वैल्यू इन यूज निकालने का क्या तरीका है? अगर इसको अपने पास रखें तो कितने पैसे देगी, या बेचें तो कितने पैसे देगी? रखें तो कितने पैसे देगी, डेट इज वैल्यू इन यूज। एंड व्हाट इज फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल? अगर हम इसको अभी छोड़ो, इसको छोड़ दो अभी, अगर हम इसको आज बेच दें तो ये कितने पैसे देगी? ओके, सिमिलरली हमारे पास बिजनेस में एसेट्स होते हैं, उनकी एक तीसरी चीज भी दी होती है, एंड डेट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू जितने का हमने खरीदा था, कॉस्ट को और कौन सी कॉस्ट कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट भी, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने का हमने खरीदा था उसमें से माइनस कर दें अकमोलेटेड एप्शन, आज तक की एप्शन, ये क्या आ जाएगा? एसेट की बुक वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे एक एसेट की बुक वैल्यू है 50, अगर उसको इस्तेमाल करें तो फ्यूचर, छोड़ो पर इसको इधर रखो, अगर एक एसेट की बुक वैल्यू है 50 और फ्यूचर में इस्तेमाल करें और वो 48 दे के जाएगा, और अगर आज उसको बेच दें तो 45 दे के जाएगा। अब आप बता दें इसको रखना बेहतर है या इसको बेचना बेहतर है? इसको रखना बेहतर है, अगर रखेंगे तो ये कितने दे के जाएगा? और अगर इसको बेच देंगे 45। इन दोनों में से हायर क्या है? 48। अब बताएं क्या हमारा एसेट इंपेयर हो गया है या नहीं हुआ? जब आप 48 और 45 में से हायर फिगर को बाहर ले आए हैं तो फिर 48 और 45 डिस्कशन के लिए इरेलेवेंट हो गया है। अब हमारी डिस्कशन सिर्फ किस पे होगी? 50 और कितने वाली चीज को कितने पर लेकर जाना है? 50 वाली चीज को 48 पर लेके जाना है। तो हमारा एसेट क्या इंपेयर हो गया है, या ये कंक्लूजन निकालें, नो इंपेयरमेंट लॉस। जो चीज मैक्सिमम हमें कितना देके जा सकती है उसे हमने किताबों में किस पे रखा हुआ है, तो ये मुनासिब नहीं है। बुक्स में एक ऐसी चीज जो 50 के ऊपर आ रही है, मैक्सिमम हमें 48 देके जा सकती है, तो कितना हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ गया? 2 का। अ कंपनी परचेज अ बस कॉस्टिंग ₹500 ऑन यकम जनवरी 2013, इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन 31 दिसंबर 2015, कितने साल बाद? 3 साल बाद, पूरा 13, पूरा 14 और पूरा 15,
ऑन 31 दिसंबर 2015 अ कंपेटिटर केम इन मार्केट सो वी डिसाइडेड टू चेक आउट बस फॉर इम्पेयरमेंट टेस्ट. तो हमने सोचा कि बस को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें. अब आप मुझे बता दें कितने साल ये बस डिप्रिशिएट हो चुकी होगी. 3 साल. तो सबसे पहले हम बस की बुक वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम इसे कंपेयर कर सकें किससे, रिकवरेबल अमाउंट से. चलें जी, लेट्स स्टार्ट. एक दो लाइन छोड़ दें, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करके वहां लिख देंगे. वर्किंग वन, किस दिन हमने सोचा है बुक वैल्यू निकालने का? 31 दिसंबर 2015. तो बुक वैल्यू हमें चाहिए 31 दिसंबर 2015 की. अच्छा जी, कॉस्ट बताएं. 500. अगर मैं 500 को डिवाइड करूं 5 पर तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगी या अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी? डेप्रिसिएशन आएगी. मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए या अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए? कितने सालों की? जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से तो ये क्या आ जाएगी? अकमुलेटेड. तो कॉस्ट माइनस अकमुलेशन, बट इज बुक वैल्यू नोट. सो 200 इज द बुक वैल्यू. किस दिन? एज ऑन 31 दिसंबर 15. नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 2015 को अ कंपेटिटर केम इन मार्केट. एक कंपेटिटर मार्केट में आया. सो वी डिसाइडेड टू चेक अवर बस फॉर इंपेयरमेंट टेस्ट. ऑन 31 दिसंबर 15 फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज. इस बस से फ्यूचर कैश फ्लोज आने हैं. बस है, इस बस से फ्यूचर कैश फ्लोज आने हैं. आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज. एनुअल इनफ्लोज क्या आएंगे? किराया फ्रॉम पैसेंजर्स. और बस से एनुअल आउटफ्लोज क्या होने हैं? पेट्रोल वगैरह, ड्राइवर की सैलरी वगैरह, और मोटरवे का टोल टैक्स वगैरह, गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह. ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब मैं एनुअल आउटफ्लोज बोल रहा हूँ. अच्छा, क्या ये जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं क्या ये एनुअल हैं या किसी एक साल के हैं? अच्छा, अब मुझे बता दें अगर मैं 31 दिसंबर 15 पे खड़ा हूं तो फ्यूचर कितने साल बच गए हैं बस की लाइफ के? कौन कौन सा साल? 13, 14, 15 इस्तेमाल हो गई है, 5 साल इस्तेमाल होनी है. कितने साल बच गए? 2 साल. कौन से 2 साल? 2016 और. तो सवाल ने वाजे बताया नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में कितने सालों तक कैश फ्लोज आएंगे? 2 सालों तक. ऑब्वियसली अगर सवाल साइलेंट है तो हम मजबूर होंगे अदम्पशन लेने पे कि हर साल यही होगा. अंदाजा ही लगाया जा सकता है ना, और क्या कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ लाइफ, लाइफ कब एंड होनी है? 16 में हम खड़े हैं, 13, 14, 15 इस्तेमाल हो गया, 31, 12, 16 और 31, 12. एट द एंड ऑफ लाइफ, जब लाइफ एंड हो जाएगी, बस कैन बी सोल्ड एट रुपीज 25. बस को 25 रुपये में बेचा जा सकता है. पता नहीं, छोटी सी बस ही है, बस को 25 रुपये में बेचा जा सकता है. और बेचने का खर्चा कितना आएगा? यानी हमें नेट इनफ्लो कितना होगा? 23. और इधर से नेट इनफ्लो कितना होगा? ग्रॉस इनफ्लो कितने है? 70. आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट इनफ्लो 55. 55 कितने साल तक आना है? 1 साल तक. भाई कह रहे हैं इधर लिखा हुआ है कैश फ्लोज इन फ्लोज. 55 कितने साल तक आना है?
2 साल तक, 2016 और 2017, और 23 कितने साल तक आना है? सिर्फ एक साल आना है, वो भी कब आना है? ओके, तेरह, चौदह, पंद्रह तो गुजर चुका, हमारे लिए फ्यूचर कौन सा है? सोलह और सत्रह। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बता दें, सोलह के एंड पर कितना इनफ्लो होना है नेट? 70 माइनस 15, पचपन, ये हो गया, क्या ये जो सवारियां हैं किराया साल के एंड पे देंगी या किराया पूरा साल साथ साथ देंगी? क्या पेट्रोल साल के एंड पे डलेगा एक ही दफा या पूरे साल डलेगा? लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन हम ऑब्वियसली अज्यूम किया करेंगे कि ये दोनों फ्लोज, जितने कैश के इनफ्लोज हैं आउटफ्लोज हैं, ये कहां प्लॉट हो रहे हैं साल के एंड पे। बात थोड़ी अजीब सी है लेकिन और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अज्यूम किया करेंगे कि ये साल के एंड के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा और कुछ? दो साल के एंड पे बस बिकेगी, एट द एंड ऑफ लाइफ। लाइफ कब एंड होनी है? 13, 14, 15 गुजर चुका, 16, 17, 17 के एंड पर इसको कितने का बेचा जा सकता है? 25 का। तो एक और है हमारा 25, कॉस्ट टू सेल 23। अब आप मुझे ये बता दें कितने साल तक कितने आने हैं? 2 साल तक 55 आने हैं और कब कितना आना है? 2 साल के एंड पर 23 आना है। अब क्या ये 55 दो हैं या सवाल जो पेपर में आएगा उसमें दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? तो फिर ऐसी सूरत में हमने इनको डिस्काउंट करना है। क्या हम ये कैलकुलेशन खड़े होके 31 दिसंबर 15 को कर रहे हैं या किसी और दिन खड़े होके कर रहे हैं? अगर हम ये कैलकुलेशन खड़े होकर 31 दिसंबर 15 को कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इन 55 को भी डिस्काउंट कर दे, और ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इन 55 को भी डिस्काउंट कर दे, और ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इस 23 को भी डिस्काउंट कर दे। तो जब पेमेंट्स एक से ज़्यादा हों और पेमेंट्स सेम हों और इंटरवल भी सेम, तीन बातें। नंबर वन, अमाउंट क्या हो? सेम हो। इंटरवल सेम हो। और तीसरी बात, पेमेंट्स एक से ज़्यादा हो। जब ये तीन बातें पाई जाएंगी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? एनओटी का। और जब पेमेंट एक ही हो तो फिर तो सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूले कितने हैं? दो। एक फॉर्मूला एनओटी का और एक फॉर्मूला सिंपल। इसकी पहले आप थोड़ी सी रिवीजन कर लें और फिर इसको जो है वो अप्लाई करते हैं हमारे सवाल में। सिंपल वाला फॉर्मूला क्या है और एनओटी वाला फॉर्मूला क्या है? आई विल रिसीव ₹80 फॉर 4 years। मैं 80 रुपये लूंगा 4 साल तक, साल के एंड पर। आप बता दें पेमेंट्स कितनी हैं? एक से ज्यादा हैं। और पेमेंट क्या हैं? बराबर हैं। और इंटरवल सेम है। तो ऐसी सूरत में मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? एनओटी का। डिस्काउंट रेट मैं ले रहा हूँ 10%। अब मैं इनकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, अगर ये 2011 का साल है, ये 12 का, ये 13 का, ये 14 का, तो प्रेजेंट वैल्यू किससे निकलेगी? 1 जनवरी 11 को इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। फॉर्मूला 80 इंटू
वन माइनस रेस टू पार माइनस डिवाइडेड बाय डन 80 इंटू, भाई ये डिस्काउंटिंग बड़े और से सीखनी है, पूरी लीज इसके ऊपर डिपेंड करती है। 1 माइनस 1. आई का मतलब 10% है ना, तो फिर ये जो आई 10% है, जब ये 1 में ऐड होगा तो 1. रेस टू पार माइनस डिवाइडेड बाय 0.1, ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, अब 80 जो है चार दफा है, क्या ये 80 चार दफा अगर डिस्काउंट ना होता तो टोटल कितना आता? 320 आता, ठीक है, 8 4 320 आता। क्या ये जवाब 320 आएगा, 320 से ज्यादा आएगा या 320 से कम आएगा? ये जवाब हमेशा 320 से कम आएगा, क्योंकि जब फिगर्स को डिस्काउंट किया जाता है तो ऐसी सूरत में जवाब हमेशा कम आता है। तो 320 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम फिगर्स को जमा नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट कर रहे हैं। 320 से ज़्यादा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम फिगर्स को डिस्काउंट कर रहे हैं, कोई बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए जवाब देखें 320 से कम आ रहा है। कैलकुलेटर पर बता दें क्या आ रहा है, 254, राउंड करके 254। तो इस डेटे में तीन बातें क्या कॉमन थी? अमाउंट्स बराबर थी, इंटरवल भी सेम था साल साल का। एक चीज आपने नोट की है, इसने डिस्काउंट करके फिगर्स को एक पीरियड पीछे लाके छोड़ा है, ये बात नोट करें, यानी इधर लाके छोड़ा है फिगर्स को। ऐसा नहीं कि इन्होंने फिगर्स को इधर लाके छोड़ा, ये जरा बात नोट करें। मैंने प्रेजेंट वैल्यू किस दिन की निकाली है, तो मैं यहां पे खड़ा था तो फिगर्स को इसने क्या लाके छोड़ा है, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ा है। ये बात जरा उर्दू में याद कर लें, इसने फिगर्स को कहां लाके छोड़ा है, एक पीरियड पीछे लाके छोड़ा है, इसको इधर लाके छोड़ा है। ओवरऑल तो आपकी बात ठीक है कि एक को एक साल पीछे लाके छोड़ा है, एक को दो साल पीछे लाके छोड़ा है, एक को तीन साल पीछे लाके छोड़ा है, एक को चार साल पीछे लाके छोड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पहली फिगर को सामने रख के बात करूं तो उससे कितना पीछे लाके छोड़ा है, एक साल पीछे लाके छोड़ा है। तो डिस्काउंटिंग क्या 80 को यहीं पे रखती है या इस वाले 80 को भी पीछे ले आती है? तो इट इज, ये हमारा पॉइंट है, ये यहां लाके हमने फिगर्स को छोड़ा। अच्छा, ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, NOT का। और अगर सवाल इस तरह बन जाए, आई विल रिसीव रुपीज 90 एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर, मैं 90 रुपए लूंगा एट एंड ऑफ फोर्थ ईयर, फिर सिंपल डिस्काउंट होगा, और हाउ इट विल लुक लाइक, 90 रुपए मुझे मिलने हैं कितने साल बाद, हर साल, हर साल के एंड पे या चार साल बाद एक दफा? चार साल बाद एक ही दफा एंड के ऊपर मुझे कितने रुपए मिलने हैं, 90 रुपए। अच्छा जी, इसकी डिस्काउंटिंग कैसे होगी, 2010 2011, अच्छा उधर 2011 लिखा हुआ था, चलिए इसी तरह कर लें, 2011 12 2013 2014। अब ये प्रेजेंट वैल्यू किससे निकलने लगी है, ये कम जनवरी 11 जी, 90 इंटू रेस टू पार। अब आप मुझे बता दें, ये कम जनवरी 11 और 31 12 14 के दरमियान कितने साल हैं? ये जो रेट है 10%, ये भी एनुअली होता है, सवाल साइलेंट हो तो, 10% डिस्काउंट का रेट है जी, 90 इंटू 1.1 रेस टू पार माइनस
क्या ये जवाब 90 आएगा, 90 से ज़्यादा आएगा या 90 से कम आएगा? कितना आ गया? 62. ये भाई नोट करें हैं साथ साथ. इधर हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? सिंपल. और उधर एनोटी का फॉर्मूला. एनोटी का फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करना है. अमाउंट सेम हो, इंटरवल सेम हो और अमाउंट से एक से ज्यादा हो. अच्छा, अगली बात. क्या क्वेश्चन नंबर 1 को सिंपल तरीके से किया जा सकता था? क्या क्वेश्चन नंबर 1 को सिंपल तरीके से किया जा सकता था और कैसे? पहले वाले 80 को आवाज दें. 80 1.1 रेस टू पार माइनस 1. दूसरे वाले 80 को आवाज दें. 80 जगह नहीं है, तुम्हें ऊपर नीचे करके नोट कर रहा हूं, आप आमने सामने भी नोट कर सकते हैं. तीसरे वाले 80 को आवाज दें. इस वाले को आवाज दें जरा. 80 रेस टू पार माइनस 3. कोई आखिरी वाले 80 को आवाज दे. कोई माइका लाल आखिरी वाले 80 को. 80 आप जरा कैलकुलेटर पकड़े, साथ वाले का कैलकुलेटर पकड़े जरा. जी 250 4i 5i, एक रुपए का फर्क आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप खुद ही कहते हैं जिंदगी में प्लस माइनस चलता रहता है. तो आज आके वहीं खड़े हुए हैं, आज आके हम वहीं खड़े हुए हैं जहां पे थे. मैं तो ये कहना चाह रहा था. तो एनओटी वाले में सिंपल भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर पेपर में 3.5 घंटे मिल जाए. पेपर में ज्यादा टाइम हो तो आराम से कीजिएगा. बहरहाल इंशाल्लाह हम एनओटी वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया करेंगे क्योंकि उसमें टाइम सेव होगा. लेकिन सिंपल वाले में एनओटी कभी नहीं लग सकता क्योंकि वो अमाउंट एक से ज्यादा नहीं होती, वो एक ही अमाउंट होती है. अच्छा जी, अब इस हमारे डेटे में वापस आ जाएं जिथे थी. अब अगर आप हमारे डेटे में वापस आए तो इसमें मुझे बताएं कि किन फिगर्स पर कौन सा फॉर्मूला लगा दूं और किन फिगर्स पर कौन सा फॉर्मूला लगा दूं. एक तरीका यह है कि 55 को अलग से एक साल पीछे बुला लें और 55 प्लस 23 को जमा करें और 55 प्लस 23 को जमा करके जो जवाब आए इनको उठाएं. उठाने के बाद 55 प्लस 23 को जमा करें, जमा करने के बाद जो जवाब आए इसको 2 साल पीछे बुला लें. तो एक तरीका ये है कि 55 को सिंपल तरीके से पीछे बुला लें और 55 प्लस 23 कितना आ रहा है? 78. और 78 को 2 साल पीछे बुला लें. लेकिन मैं ये नहीं लगा रहा. हम क्या करेंगे, इस 55 और इस 55 इन दोनों को इकट्ठा पीछे बुला लेंगे. इधर कौन सा फॉर्मूला लगा के? एनओडी का फॉर्मूला लगा के. और उस 23 को कहेंगे 23, इसे कितने साल पीछे बुला लें? इधर जब गिनने तो नंबर ऑफ 55 गिनने हैं, ये भी बड़ा याद रखिएगा. इधर आपने गिनने हैं नंबर ऑफ 55. हाउ मेनी नंबर ऑफ 55 आर अपियरिंग? एक,
दो। कितने नजर आ रहे हैं? दो। लेकिन जब आपने सिंगल फिगर को पीछे बुलाना है तो आप लोगों ने फिर क्या काउंट करना है? फिर आप लोगों ने ये जो 23 है इधर खड़ा हुआ है, एक साल दो साल इसी तरह किया था ना पहले भी। इधर जब आपने एनओटी का फॉर्मूला लगाया था तो नंबर गिने थे, एक दो तीन चार, तो इधर क्या यूज किया था? चार। और इधर क्या आपने गिना था जब एक फिगर को बुलाया था? एक दो तीन चार, इधर अरसे गिने थे, इधर दरमियान में क्या गिने थे? अरसे। और एनओटी में आपने दरमियान में अरसे गिने थे या नंबर ऑफ एटी गिने थे? बोलने ऊंटों से, नंबर ऑफ एटी गिने थे आपने। इधर बताएं हाउ मेनी नंबर ऑफ 55 आर अपीयरिंग? टू। हाउ मेनी नंबर ऑफ 23 इज अपीयरिंग? ओनली वन। तो आप फिर नंबर नहीं गिनने आप लोगों ने इसको, अब आपने देखना 23 यहां खड़ा है, एक साल पीछे और दो साल पीछे। अब हम क्या निकालने लगे हैं? वैल्यू इन, अगर हम इसको यूज करें, इधर क्या लिखूं बोले? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्लास के लिए तैयार होके आया करना है या तैयारी करके आया करना है? नहीं, तैयार होके भी चले ठीक है, मलंग बन के ना आ जाए बस। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में आपको क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यूज। वैल्यू इन यूज में क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यूज। तो प्रेजेंट वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी इन फिगर्स की, ठीक है? साथ वाले के कंधे पे आप सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन 5 सेकंड से ज्यादा की नहीं, क्योंकि वो फिर थक जाता है बेचारा। तो 55 को कौन सा फॉर्मूला लगा दें? एनओटी का। और 23 पर सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको पीछे बुला दें। तो वैल्यू इन यूज निकालने लगे हैं हम एज ऑन 31/12/15। 1 माइनस 1 पॉइंट, डिस्काउंट रेट 10% लेंगे या सवाल से देखेंगे? सवाल से देखेंगे। सवाल के तरह सवाल में आके तरह नजरें झुकाएं। 12% मिल गया, ओके। 1 माइनस 1 पॉइंट रेस टू पार -2, ये दो का क्या मतलब है? मुझे 55 दो दफा नजर आ रहा था, बोले, क्योंकि मुझे सही नजर आता है। डिवाइडेड बाय 0.12, इससे मेरा गुजारा नहीं चलेगा क्योंकि मुझे एक और फिगर भी चाहिए, एंड दैट इज 2 साल मैंने बस चलानी है और 2 साल के बाद जब बस की बस हो जाएगी तो मैंने बस को क्या कर देना है? बेच देना है। बेचकर कितने पैसे आएंगे? 25। कितने जाएंगे? कितने नेट आएंगे? आप 23 को कैसे बुलाएं? 1 पॉइंट रेज टू पार -2, 3 दफा 1। कैलकुलेटर यूज करें और ये फिगर निकालें। ये आजकल खत्म हो गया जुराबे पहनने वाला सीन इनके अंदर है, पहनी नहीं, अच्छा नजर नहीं आती, छोटी वाली है, क्या कहते हैं उसको, एंकल सॉक्स, हाफ स्लीव सॉक्स। ओके, तो बताते रहा करो आजकल क्या चल रहा है। आगे चलें जी, इफ यू सेल बस टूडे, अगर आज हम बस बेच दें आज ही तो फिर क्या होगा? इफ वी सेल बस टूडे डेट इज एट 31/15, अगर आज ही खड़े होके हमें कोई कहे भाई आप बस बेच दो, तो फिर क्या बस 2 साल बाद वाली प्राइस पे बिकेगी या थोड़ी अच्छी प्राइस देके जाएगी?
क्या बस अगर आज बेच दें तो क्या वही प्राइस देगी जो दो साल बाद देगी या डिफरेंट देगी? तो वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस प्राइस और जो अब वाली प्राइस आ रही है, क्योंकि वो दो साल पहले बिक रही है। अब आज अगर बिक जाए बस, इफ यू सेल बस टूडे डेट इज 31 December 2015, तो कितने की बिकेगी? माशाल्लाह 100। और बेचने पर कितना खर्चा आएगा? अच्छा, अब एक ऑप्शन हमारे पास ये है। ये डेटा किसके लिए था? अगला डेटा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू 130, जगह सही है यहां पर, माइनस 14। हम सारी कैलकुलेशन खड़े होके कहां कर रहे हैं? 31 December 2015 को, जिस दिन मार्केट में कंपेटिटर आया है और हमने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। यहां खड़े होकर मुझे बताएं आप इसको डिस्काउंट कैसे करूं? 31/12/15 पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। इस दिन खड़े हैं आप और इस दिन 130 को आवाज मारेंगे, 130, तो वो चपेट मारेगा, कहेगा भाई ये देखो मैं तो इधर खड़ा हूं। तो क्या इसको डिस्काउंट करने की जरूरत है या ये ऑलरेडी 31/12/15 पे खड़ा है? तो कहां पर आपको पीवी निकालने की जरूरत नहीं है? वैल्यू इन यूज में आपको पीवी निकालने की जरूरत है और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल में आपको पीवी निकालने की जरूरत नहीं है। तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल जब हम निकालने लगे हैं तो ब्रैकेट में पीवी लिखें या कुछ ना लिखें? वैल्यू इन यूज को किससे कंपेयर करना है? किस दिन की? ऑन 31/12/15, तो ये ऑलरेडी उसी दिन की है। क्लियर? अच्छा, ये बीवी की पीवी क्यों नहीं निकाली? वो पहली बीवी है, ये क्या बात हुई? तो ये देखें, बुक वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। बुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, बस उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी होती है। ठीक है, जिंदगी में याद रखिएगा कभी भी बीवी की पीवी नहीं निकालनी। तो बुक वैल्यू, तो आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? आपके इलाके में तो बीवी नहीं कहते, क्या कहते हैं पश्तों में? प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा छोड़ो, वापस आ जाए, सीए करें, फेयर वैल्यू बताएं। ऑन 31/12/15 130 कॉस्ट टू सेल 14। जवाब, जवाब ही आ गया है 116। भाईजन आपसे सवाल पूछूं, किस इलाके से हैं? सवात से आए हैं। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी दूर से आए हैं आप। आप रखना पसंद करेंगे, बेचना पसंद करेंगे? बस रखना पसंद करेंगे, बेचना पसंद करेंगे? क्या बेचना पसंद करेंगे? बस आपकी है, खड़े हो जी। अच्छा, इस डेटे के बुनियाद पे आप रखना पसंद करेंगे, बेचना पसंद करेंगे? बेचना पसंद करेंगे। दोनों में से क्या उठाने? उठाएं जरा, दो तीन लोग इधर आए। 116। भाई आप किस इलाके से हैं? हाँ आप, मैं समनाबाद से। आप खुशा, खुशा वाले भाई, आपकी बस इंपेयर हो गई है या नहीं हुई? कैसे पता चला? खड़े हो जाए बताएं सब, कैसे पता चला आपको कि आपकी बस इंपेयर हो गई है? वेल डन, बैठ सिंह। 200 की बस मैक्सिमम कितना देके जा सकती है? 116। तो फील, एक चीख महसूस करें अपने अंदर ही अंदर, ये आपको चीख एक महसूस होगी कि बस में आप क्या ख़त्म होगी है? जान। तो 200 की बस कितना देके जा सकती है? 116। 84। इस 84 का नाम बता दें, साथ वाले के कान में। भाई बड़ों के कान में बातें नहीं करते हैं, अगर छोटा है आपसे उम्र में फिर उसके कान में बता दें। इंपेयरमेंट लॉस। ये दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है कि मुझे चेक करानी है आईडी कार्ड क्लास के बाद? जुड़वा था नहीं आप किस इलाके से आए हैं?
रायवंड से? आप नारोवाल से? लाहौर में कहाँ से? ड्रीम गार्डन। ड्रीम गार्डन से? सुभान अल्लाह। आप लाहौर। गुड गार्डन? बहरिया टाउन। ये करीब से? जी ये वीडियो का दो पार्ट हुआ करेंगे, पार्ट इस वजह से कि वो ज़रा फाइल साइज़ बड़ा हो जाता है, बना दें भाई दूसरा पार्ट।